नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल काना भक्त में स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जो आज तक भारत के जंगलों में भटकता हुआ भोग रहा है अपने पापों की सजा। एक ऐसी गलती जिसने उसे अमर होते हुए भी बना दिया श्रापित, तो वह पात्र है द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा। माना जाता है अपनी पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यथित हो गया था। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिए। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की, साथ ही उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वह अश्वत्थामा का सर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा और फिर उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस घटना के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सदियों तक जिंदा रहकर भी दुख भोगने का श्राप दिया। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और प्राचीन घटनाओं को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल काना भक्त को सब्सक्राइब करें।